नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परफेक्ट मोबाइल सॉल्यूशन पर। दोस्तों मेरे पास ये जो हैंडसेट है ओप्पो ब्रांड का है, आप देख सकते हैं बैक साइड में ऊपर की तरफ ओप्पो की ब्रांडिंग है और मॉडल नंबर आपको बता देता हूं, मॉडल नंबर है ओप्पो A12। ओके, और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ओप्पो A12 को अनलॉक करने का तरीका, यानी कि डिवाइस का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक रिमूव करने का सबसे ईजी और बिल्कुल सटीक तरीका। तो दोस्तों अगर आपके पास ओप्पो A12 है और आपकी डिवाइस पे किसी भी टाइप का लगा हुआ है, जैसे कि पैटर्न लॉक, पिन लॉक या पासवर्ड लॉक, किसी भी टाइप का लॉक अगर आपके ओप्पो A12 में लगा हुआ है और आप डिवाइस को अनलॉक करना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत आसानी से घर बैठे बैठे आप अपने ओप्पो A12 को बिल्कुल फ्री में अनलॉक कर पाएंगे, डिवाइस का पैटर्न लॉक, पिन लॉक या पासवर्ड लॉक घर बैठे बैठे रिमूव कर पाएंगे। ओके, तो यहां दोस्तों आपने देखा डिवाइस हमारी पूरी तरह से पासवर्ड लॉक है। डिवाइस का मॉडल नंबर मैंने आपको पहले ही बता दिया, मॉडल नंबर है ओप्पो A12। इसका CPH मैं आपको कंफर्म कर देता हूं, तो यहां मैं इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करूंगा, यहां पे कोड डायल करूंगा *#899#, इंजीनियरिंग मोड ओपन हो गया और उसके बाद यहां देखिए सॉफ्टवेयर वर्जन पे मैं क्लिक करता हूं और ये देखिए मॉडल नंबर ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं इसका CPH है दोस्तों 2083, यानी कि ओप्पो A12। ओके, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए, कहीं भी स्किप नहीं करिएगा, बहुत आसान है, वीडियो का कोई भी स्टेप आप स्किप नहीं करिएगा। ओके, तो चलते हैं दोस्तों अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे और आपको बताते हैं कि कैसे आपको ओप्पो A12 का पैटर्न, पिन या पासवर्ड लॉक रिमूव करना है। तो अब यहाँ फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे और यहाँ से दोस्तों वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा और प्लीज दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो का कोई भी स्टेप आप स्किप नहीं करिएगा। ओके, तो अभी देखिए आपको करना क्या है। यहाँ दोस्तों इस डिवाइस को अनलॉक करने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने एक फोल्डर बना के रखा हुआ है ओप्पो A12 अनलॉक, ठीक है। इस फोल्डर में वो सारी चीजें हैं, सारे टूल्स हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है आगे चल के। ओके, तो मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। ओपन करते ही दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत सारी फाइलें आपको देखने को मिलती हैं, चूंकि ये फाइलें जो है दोस्तों ये जिप फाइलें हैं, ठीक है। इन सारी फाइलों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी हमको करना क्या है, इन सारी फाइलों को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। आगे चल के इस फाइल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल के लिए इन सारी फाइलों को बारी बारी मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा दोस्तों, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ओप्पो A12 को अनलॉक करने का जो भी प्रोसेस है ना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करूंगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊंगा, इसलिए बस आप वीडियो का कोई भी स्टेप आप स्किप नहीं करिएगा। ओके, ये देखिए ओप्पो A12 सेक्टर फाइल है, इसको मैं राइट क्लिक करके जब एक्सट्रैक्ट करता हूं तो यहां पे ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल है, ठीक है। तो यहां पे देखिए इसका जो पासवर्ड है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे अनलॉक कोड करके मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है और ये देखिए पासवर्ड फाइल का जो पासवर्ड है आपको यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्लोज कर दूंगा और ये रहा, इसमें मैं पेस्ट कर दूंगा, ओके कर दूंगा, ठीक है। तो इसका आपका जो पासवर्ड है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिर्फ इसमें जो ओप्पो A12 सेक्टर फाइल वाली, यानी कि ये जो फाइल है ये सिर्फ पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, बाकी फाइलें पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है। ओके, तो फाइलें हमारी पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट हो गई। मैं क्या करता हूँ, ये जो जिप फाइलें हैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब ये देखिए ये पूरी फाइलें हैं, अब इन फाइलों के बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होता है, डिवाइस को PC से कनेक्ट करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, आपको अपने लैपटॉप या PC में ड्राइवर इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। तो इस डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए आपको दो ड्राइवर अपने लैपटॉप या PC में इंस्टॉल करना होगा। सबसे पहले libUSB, ये जो ड्राइवर है आपको इसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो मैं डबल क्लिक करता हूं और ये देखिए ये रहा libUSB का ड्राइवर, ठीक है। बहुत आसान है, सिर्फ डबल क्लिक करिए, नेक्स्ट करिए, डबल क्लिक करिए, नेक्स्ट करिए, आपको इसे बस इंस्टॉल करना है, बाकी कुछ नहीं। ओके, तो सबसे पहले libUSB वाला ड्राइवर आप इंस्टॉल कर लें, उसके बाद यहां देखिए MediaTek Qualcomm ड्राइवर है, आपको ये MediaTek का ड्राइवर मिलता है, ये देखिए ग्रीन कलर का मिल रहा है, न्यू Qualcomm ड्राइवर। ओके, तो आपको इसे इंस्टॉल करना है, बहुत आसान है, सिंपल डबल क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लें। ओके, याद रहे, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, दोनों ड्राइवर अगर आपने नहीं इंस्टॉल किया तो आपकी डिवाइस PC से कनेक्ट नहीं होगी। ओके, अब देखिए आगे क्या करना है, ये नीचे की तरफ आएंगे दोस्तों तो SP फ्लैश टूल है, इसी टूल का यूज करके डिवाइस को मैं अनलॉक करने वाला हूं, ठीक है। ये देखिए कुछ जो ओप्पो A12 की स्केटर फाइल होती है आपको यहां पे फाइलें मिल जाने वाली हैं, ठीक है। इन सब के बारे में मैं बहुत डिटेल में आपको आगे चल के बताने वाला हूं, ठीक है। बाकी ये देखिए MTK बाईपास टूल है, इसका क्या यूज है, कैसे यूज करना है, ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ओके, तो अब देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या होगा दोस्तों, ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद आपको करना क्या है कि ये देखिए MTK बाईपास आपको ये दिख रहा है ना, MTK बाईपास, आप इस पर डबल क्लिक करें। ओके, यहाँ पे डबल क्लिक करें। ओके, तो यहाँ पे आपको दो फाइलें मिलेंगी, सबसे ऊपर की तरफ ये ड्राइवर है, तो ड्राइवर के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, आपके काम की चीज ये है दोस्तों MTK बाईपास। ओके, आप इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लें।
ठीक है, ये देखिए ओपन हो गया MTK बाईपास टूल। ठीक है, अभी देखिए आपको करना क्या, ये टूल बेसिकली यूज ऐसा होता है दोस्तों कि इस टूल में हम डिवाइस को कनेक्ट करेंगे तो इसमें जो MTK का पोर्ट है ना ये इसको स्टेबल कर लेगा। ओके, तो इसके लिए इसका यूज करते हैं। अब आगे इसका यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। ठीक है, अभी हम यहां से बैक आते हैं, इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, अभी हम करेंगे क्या, अपने लैपटॉप या पीसी में डिवाइस मैनेजर ओपन करेंगे। ठीक है, तो डिवाइस मैनेजर ओपन करने के लिए माई कंप्यूटर पर आपको राइट क्लिक करना है, उसके बाद आप मैनेज पे क्लिक करिए। मैनेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखा ये रहा डिवाइस मैनेजर, आप इस पर क्लिक करें। ओके, अब यहाँ देखिए ये रहा पोर्ट कॉम LPT, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, डिवाइस मैनेजर मैंने इसलिए ओपन किया दोस्तों ताकि जब मैं अपने डिवाइस को PC से कनेक्ट करूंगा ना तो यहाँ पे देखिएगा MediaTek का पोर्ट शो करेगा, तो हमें कन्फर्म हो जाएगा कि डिवाइस हमारी PC से कनेक्ट हो गई। ओके, अब आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो अब आते हैं अपने टूल की तरफ। यहाँ देखो दोस्तों, ध्यान दीजिए MediaTek बाईपास टूल को मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, अभी हमको करना क्या, डिवाइस को PC से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, डिवाइस हमारी देख सकते हैं पासवर्ड लॉक है, सबसे पहले मैं डिवाइस को पावर ऑफ करूंगा। ठीक है, तो यहां से डिवाइस को मैंने पावर ऑफ कर लिया। ओके, पावर ऑफ करने के बाद आपको डिवाइस को PC से कनेक्ट करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको सिंपली करना क्या होगा, वॉल्यूम अप डाउन इन दोनों बटन को आपको प्रेस करके रखना है, उसके बाद केबल लगाना है। ठीक है, तो यहां डिवाइस मैनेजर में आप देखेंगे आपकी डिवाइस PC से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कंडीशन इतना है कि आपने अगर ड्राइवर नहीं इंस्टॉल किया तो डिवाइस आपकी PC से कनेक्ट होगी भी नहीं। ओके, तो इसलिए ड्राइवर विशेष तौर से आप इंस्टॉल करके रखें। ठीक है, तो ये देखिए वॉल्यूम अप डाउन इन दोनों बटन को मैं प्रेस करके रखता हूं। ओके, और अब मैं ये USB केबल यहां पे अटैच करता हूं। ठीक है, USB केबल मैंने अटैच किया और अभी देखिएगा MediaTek का पोर्ट यहां पे शो करेगा। और ये देखिए दोस्तों, फाइनली आप देख सकते हैं, ये देखिए MediaTek का पोर्ट शो कर दिया, यानी कि अब हमारी डिवाइस PC से कनेक्ट हो गई। ओके, एक चीज ध्यान दें, अभी आपको करना क्या है, टूल की तरफ आना है। यहां पे देखिए बाईपास का ऑप्शन आपको मिलता है ना, आप सिंपल बाईपास पे क्लिक कर दें। ओके, जैसे ही बाईपास पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए ये जो पोर्ट आप देख रहे थे, पोर्ट आ रहा था जा रहा था, लेकिन अब आपका जो पोर्ट है दोस्तों ना बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। अब इसके आगे आपका पोर्ट जो है ना पकड़ना छोड़ना ये सिस्टम रहता है, अभी आपका पोर्ट बिल्कुल भी पकड़ेगा छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल अब यहाँ पे स्टक हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो MediaTek बाईपास टूल है इसका यूज सिर्फ और सिर्फ इतना है। ठीक है, तो अब ये कंफर्म हो गया, यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया, अब ये बिल्कुल यहाँ पे आपका जो पोर्ट है बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको मिनिमाइज कर देता हूँ। ओके, अब आते हैं बिल्कुल अपने ये जो मैंने फोल्डर ओपन किया था, इस फोल्डर को ओपन करता हूं। ठीक है, तो आपको MTK बाईपास टूल का यूज समझ में आ गया। अब देखिए आपको करना क्या, अब आपको मेन टूल ओपन करना है, यानी कि SP फ्लैश टूल। ओके, तो मैं डबल क्लिक करता हूं, यहां डबल क्लिक करूंगा और यहां देखिए ग्रीन कलर का आपको ये फ्लैश टूल दिखता है, ये मेन फ्लैश टूल है SP फ्लैश टूल, इसे मैं डबल क्लिक करके ओपन करूंगा। ओके, डबल क्लिक करके मैंने ओपन किया तो ये देखिए SP फ्लैश टूल पूरी तरह से ओपन हो चुका है। ठीक है, इस टूल में आपको फाइलें ऐड करनी है, कैसे ऐड करेंगे ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले यहां हम आते हैं बैक। ओके, बैक आ गए, इसे मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं, साइड में कर लेता हूं। ठीक है, अभी देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों ये देखिए ये वाली फाइल डाउनलोड एजेंट, ये DA फाइल है, ये पहले से ऐड है। हम करेंगे क्या, पहले इसको मैं ऐड करके आपको दिखा देता हूं। यहां मैं चूज पे क्लिक करूंगा। ओके, चूज पे क्लिक करने के बाद यहां मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा, ये रहा ओप्पो A12 अनलॉक फाइल। ठीक है, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, उसके बाद आपको करना क्या, SP फ्लैश टूल, इस पर डबल क्लिक करना है, यहां पे आप डबल क्लिक करेंगे। ओके, और यहां पे देखिए बहुत सारी फाइलें हैं, आपको इसमें से सेलेक्ट करना है MTK ऑल इन वन DA। ओके, आप इसे डबल क्लिक कर दें। ठीक है, तो ये ऊपर वाली फाइल ऐड हो जाएगी, ये पहले से ऐड थी, लेकिन अगर ऐड ना हो तो कैसे ऐड करना है ये चीज मैंने आपको बता दिया। ओके, उसके बाद यहां देखिए सेकेंड ऑप्शन आते हैं स्केटर फाइल, स्केटर लोडिंग फाइल, ये आपको फाइल ऐड करनी है, तो इसके लिए आप चूज पे क्लिक करें। ओके, और यहां फिर से आप डेस्कटॉप पे करें, ये रहा ओप्पो A12 अनलॉक फाइल, यहां डबल क्लिक करेंगे। ओके, और यहां देखिए यहां पे ये रहा ओप्पो A12 स्केटर फाइल। ठीक है, आप यहां डबल क्लिक करें। ओके, यहां पे आप डबल क्लिक करें और ये देखिए यहां पे ध्यान दीजिए MT6765 एंड्रॉयड सेक्टर, ये फाइल है। ठीक है, ये स्केटर फाइल आपको ऐड करनी है, तो आप यहां डबल क्लिक कर दें। ये देखिए ये फाइल ऐड हो गई और यहां पे देखिए सारी फाइलें शो कर रही हैं। ओके, अब उसके बाद थर्ड फाइल ऑथेंटिकेशन फाइल आपको ऐड करनी है, तो उसके लिए सिंपल आप सेम चूज पे क्लिक करें। ओके, चूज पे क्लिक करने के बाद फिर से हम डेस्कटॉप करेंगे, उसके बाद ये हमारी फाइलें रखी हुई हैं, मैं डबल क्लिक करूंगा। आपको सेम क्लिक करना है ओप्पो A12, यहां पे देखिए ऑथ DA फाइल करके लिखा हुआ है, आपको इसी फोल्डर पे डबल क्लिक करना है, यहां पे आप डबल क्लिक करिए। ओके, और ये देखिए ऑथ, ये देखिए ऑथ
जो ऑथेंटिकेशन फाइल है ना, ये रही फाइल, यहाँ पे AUTH लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ डबल क्लिक कर लें तो ये देखिए सारी फाइलें दोस्तों, आपको कैसे ऐड करना है मैंने डिटेल में बता दिया, यहाँ पे सारी फाइलें ऐड हो गई। ओके, अब देखिए आपको करना क्या, अब यहाँ पे दोस्तों ये आपको एक ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट का, आप फॉर्मेट पे क्लिक करें। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मिलता है मैनुअली फॉर्मेट फ्लैश, आप इस पर क्लिक करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान दें, यहाँ पे आपको ये देखिए बिगिन एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है और ये फॉर्मेट लेंथ ये आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो ये जो एड्रेस है इसका लिंक मैं आपको इसका जो लिंक है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पे देखिए एक अनलॉक कोड करके यहाँ पे एक नोट पैड वाली फाइल है, मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए बिगिन एड्रेस आपको यहाँ पे मिल जाता है और ये देखिए फॉर्मेट लेंथ दोनों मिल जाता है, ठीक है। तो आपको करना क्या, सिंपल यहाँ से इसे सेलेक्ट करना है, ओके, सही से सेलेक्ट करिएगा। तो ये सेलेक्ट करने के बाद आप इसे सिंपल कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद ये देखिए बिगिन एड्रेस है, ठीक है। तो आपको इसे बिगिन एड्रेस में पेस्ट कर देना है, तो आप इसे पूरा सेलेक्ट करें, इसे आप पूरा डिलीट कर दें, ओके। और उसके बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और पेस्ट कर दें, ओके। तो ये रहा बिगिन एड्रेस, ये पेस्ट हो गया। उसी तरह फॉर्मेट लेंथ जो है आपको करना है, तो पहले मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, इसे डिलीट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो बिगिन फॉर्मेट लेंथ है इसे कॉपी करूंगा, ओके। कॉपी करने के बाद अब ये देखिए फॉर्मेट लेंथ है, इस पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा, ओके। सब कुछ यहाँ पे डन हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना है, जो भी फाइलें आपको ऐड करनी थी सारी फाइलें यहाँ पे ऐड हो गई, ओके। अभी देखिए आपको करना क्या है, अब सिंपल ये जो फॉर्मेट का ये जो स्टार्ट का ऑप्शन है ना, सिंपल आप स्टार्ट पे क्लिक कर दें। जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करेंगे ये देखिए प्रोसेस हुआ, कुछ सेकंड लगेगा आपकी डिवाइस अनलॉक हो जाएगी, और ये देखिए फॉर्मेट ओके, ये ग्रीन कलर का यहाँ पे चेक मार्क आ गया, ये ग्रीन हो जाएगा और यहाँ पे फॉर्मेट ओके का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं बता दूं आपकी डिवाइस टोटली अनलॉक हो चुकी है। अभी मैं करूंगा क्या, केबल को डिस्कनेक्ट करूंगा और ये हमारी डिवाइस है, डिवाइस को मैं ऑन करूंगा, ओके। डिवाइस हमारी ऑन हो गई, अभी आप वेट करिए डिवाइस को पूरी तरह से एक्टिव होने के लिए। दोस्तों ये पूरा फुल प्रोसेस था ओप्पो A12 को अनलॉक करने का। आपको किसी ऑनलाइन टूल की ज़रूरत नहीं है, आपके पास लैपटॉप पीसी होना चाहिए, बाकी सारी फाइलें सब कुछ XYZ जो भी आपको करना है सारा प्रोसेस मैंने डिटेल में बताने की कोशिश की। सारी फाइलों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दिमाग लगाइए और बिल्कुल आसानी से घर बैठे बैठे आप अपने ओप्पो A12 को अनलॉक कर पाएंगे। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ दोस्तों आप मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको इस वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही शानदार इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन कंटिन्यू आपको मिलती रहे, तो इसके लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना होगा, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन कंटिन्यू आपको मिलती रहे। दोस्तों अगर इस वीडियो को लेकर आपके कोई भी सवाल हो या किसी भी प्रॉब्लम से संबंधित आपके कोई भी सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए। आप अपनी प्रॉब्लम और सवाल आप हमारे YouTube वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, मुझसे शेयर करिए, मैं जल्द से जल्द आपको बेहतर से बेहतर सलूशन दूंगा, ओके। और ये देखिए पहले डिवाइस हमारी पासवर्ड लॉक थी, डिवाइस हमारी टोटली अनलॉक हो चुकी है। अब देख सकते हैं यहाँ किसी भी टाइप का लॉक शो नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड्रॉइड सेटअप करना है तो सेटअप क्या करना है, आप सिंपल एक कोड डायल करिए, पूरा सेटअप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल आप इमरजेंसी कॉल पर क्लिक करें, ओके। कीपैड आपका ओपन हो गया, कीपैड ओपन होने के बाद आपको कोड डायल करना है *#813, ओके। उसके बाद सिंपल आप हैज डायल कर दें, ओके। और ये देखिए फाइनली हमारी डिवाइस ओप्पो A12 पूरी तरह से अनलॉक हो गई, पूरी तरह से एक्टिव हो गई, और दोस्तों आप देख सकते हैं अब डिस्प्ले पे पहले की तरह किसी भी टाइप का लॉक शो नहीं कर रहा, ओके। अभी मैं इसका मॉडल नंबर एक बार फिर से आपको कंफर्म कर देता हूँ, यहाँ लास्ट में आएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा अबाउट फोन, ओके। अबाउट फोन में आप देखिए ओप्पो A12 CPS 2083, ओके। तो दोस्तों ये पूरा फुल प्रोसेस था ओप्पो A12 को अनलॉक करने का, यानी कि डिवाइस का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक रिमूव करने का। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय मुझसे कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करिएगा। वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही शानदार इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारा YouTube चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।